यदि आप भूटान जाना चाहते हैं तो अब आपको टैक्स देना होगा। 10 रुपए प्रति व्यक्ति यह टैक्स लागू किया गया है। यह नियम भूटान सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसका नाम यूजर फी रखा गया है। बताया गया है कि भारत से भूटान और भूटान से भारत आवाजाही करने के लिए सभी को 10 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। आप जितनी बार यात्रा करेंगे आपको उतनी बार यह टैक्स देना होगा। आम लोग टैक्स का भुगतान नगद या मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ये नियम न केवल भारतीय नागरिकों पर बल्कि भूटानी नागरिकों पर भी लागू है। पर्यटकों के अलावा हजारों लोग व्यवसाय और श्रमिक काम के सिलसिले में भूटान से भारत और भारत से भूटान आते हैं। कई लोगों का ये सिलसिला लगातार चलता है, ऐसे में उन्हें बार बार टैक्स चुकाने में परेशानी हो सकती है। खासकर दिहाड़ी मजदूर को यह टैक्स देने में समस्या होगी, जिसे लेकर विभिन्न खेमों के लोगों ने छोपड़ गठ किया है। कालचिनी ब्लॉक चैम्बर्स एंड कॉमर्स के संपादक राकेश पांडे ने कहा कि 10 रुपए का टैक्स बहुत छोटा रकम है, लेकिन कई लोगों को बार बार भारत से भूटान और भूटान से भारत आना पड़ता है, ऐसे में उन्हें समस्या हो सकती है। 1 तारीख से जो भी आदमी एंट्री करेगा उसको 10 रुपया फी लगेगा, टोकन फी जैसे लगेगा। ये तो बात सही है, आए दिन देखा जा रहा है भूटान में तरह तरह का आईन निकल रहा है, नया नया नियम निकल रहा है। 2.5 साल बाद तो भूटान गेट खुला है। भूटान गेट खोलने के बाद हम लोग को जिस हिसाब से हम लोग उम्मीद किए थे कि पहले के जैसा होगा, फ्री आना जाना होगा, सबके बिजनेस व्यापार होगा, वैसे देखा नहीं जा रहा है, धरातल पर वैसा नहीं देखा जा रहा है। हम तो निवेदन करेंगे एज ए बिजनेसमैन के नाते कि जय गांव को व्यापार को डेवलप करने के लिए और काउंसलिंग के बिजनेसमैन व्यापार को डेवलप करने के लिए फ्री करना पड़ेगा, पहले जैसे फ्री हो। हम भूटान सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जो भी चीज़ हो, आइन तो ठीक ही है, आइन में चले, आइन का सभी हमारे जनता पालन करेंगे, भूटान के भी जनता पालन करेंगे, जय गांव के भी जनता पालन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया जाए, इजी बनाया जाए, ताकि सबको आने जाने में सुविधा हो, सबको बिजनेस व्यापार करने में सुविधा हो। और 10 रुपया लगाने से तो थोड़ा सा तो असर पड़ेगा, लोग आने जाने में रिस्केंगे। तो हम चाहेंगे सरकार से निवेदन करेंगे, अपना भूटान गवर्नमेंट से, भूटान के पदाधिकारियों से, इस पर पुनः एक बार विचार किया जाए और विचार करके जो भी हमारे जयगांव के हित में, हमारे भूटान के पीपुल के हित में जो हो, एक अच्छा सुंदर निर्णय लिया जाए।